अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू कैंस वर्ल्ड। बी वंडरिंग कि ये तो हमें इक्लिप्स दिखाने लगी थी और ये तो सिर्फ क्लाउड्स दिखा रही है। तो सोलर इक्लिप्स से पहले जो मॉर्निंग थी हमारी वो टोटली क्लाउड्स वाली थी। अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया सोलर इक्लिप्स को, एंड इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। और इसकी कुछ मिथ्स एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप इक्लिप्स देखे जब हो गया था। यहाँ पे सोलर इक्लिप्स स्टार्ट हो गया, मतलब हर जगह अंधेरा है, इट्स टोटली डार्क एवरीवेयर एक्सेप्ट हियर। और यहाँ से सिर्फ एक रोशनी आ रही है, कैन यू बिलीव? सिर्फ एक जगह से अब जा रहा है, इक्लिप्स है, थक रहा है, एक जगह से रोशनी हो रही है, अजीब सी रोशनी है हर जगह। ये देखिए, ये रोशनी जो है ना आप देख रहे हैं, ये रोशनी कोई लाइटों की नहीं है, इसी डार्क ये ऊपर इस चीज़ की है। और ये देखिए सारे लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, एवरीवन इज मेकिंग वीडियो बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट। एंड मैं देखती रही हूँ, मेरे को सारे बना रहे हैं वीडियो। और ये जो रोशनी है ना, इट्स टोटली डिफरेंट। अब ये रोशनी थोड़ी कम हुई है, देखो सारी जगह अंधेरा है, सही अंधेरा, 3:13 हो रहे हैं अभी और यहाँ बहुत अंधेरा है, एक्सेप्ट ये जगह जो बीच में से रोशनी निकल रही है। चलो चलते, वो देखिए तू झट के जा रही है, उसको डर लग रहा है। एवरीवन इज वॉचिंग इक्लिप्स। Everyone is talking about eclipse. हंस रहे हैं सारे। आज मॉल में भी ना रश नहीं है इतना, क्योंकि लोग डर से बाहर ही नहीं निकले eclipse की डर से। It's darkest before. So dark outside. Yeah, too much dark. Yeah, now it's like light. Yeah. हो गया, वहाँ hole था और उधर से एक light. वो ऊपर देखे. मेरे हस्बैंड तो आसमान की तरफ देख भी नहीं रहे, डर से। अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, पहले तो रोशनी आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा लाइटें ऑन की है, मतलब पहले एक होल से रोशनी आ रही थी, अब चेंज हो गया, अब डार्क भी चेंज हो गया, पहले बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये सोलर इक्लिप्स के साथ, मतलब मैंने पहली दफ़ा देखा है, मैंने कभी नहीं देखा था, नेवर। अब ये देखो यहाँ पर नीला आसमान है, पूर्व में सही से नीला नज़र नहीं आ रहा, वाइट क्लाउड्स हैं। अभी 4:00 आई थिंक 15 मिनट में इक्लिप्स ख़त्म हो जाएगा। ये देखो ये नज़र आ रहा है, ये कैन यू सी दैट, ये है इक्लिप्स, मून ने सन को कवर किया हुआ। अब जा रहा है ना, हट रहा है, पहले पूरा कवर कर लिया था इसलिए तो पूरा अंधेरा हो गया था, अब वो साइड पर हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी आ गई है। लोग बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। ये देखो ये भी वीडियो बना रही है, ये भी वीडियो बना रहा है, सारे खुश हैं। वो मुझे वेव कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड बेचारे अकेले सामान रख रहे हैं गाड़ी में, और मैं ये मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ। वापस तक के आता है मेरा तो अंदर, अब दोबारा से वो रोशनी हो रही है, अरे दिल ही दिखा रहा घर जाने का, वो रोशनी फिर से हो गई है। ये ना ऐसी जो ग्लोइंग रोशनी नहीं होती, एक स्टार की जो ग्लोइंग रोशनी होती है, बिल्कुल वैसी रोशनी है, अल्लाह माफ करे। हाँ तेज़ हो रही है वो रोशनी, तेज़ हो रही है। देखो स्टार मैसेज आ गया, देखो स्टार वाली रोशनी है वो, देखो लोग देख रहे हैं,
एंड देयर मेकिंग वीडियोज़। ये देखो एक होल से, इस होल से मैं देख नहीं रही हूँ लेकिन इस होल से ये रोशनी आ रही है। नो घर रोशन रोशन घर हुआ। इन लोगों ने सोलर इक्लिप्स की ग्लासेस लगाई हैं और वो लोग देख रहे हैं। शशकी हैं, इनके सोलर इक्लिप्स ग्लासेस लगा के देख रहे हैं। बहुत रोशनी हो रही है यार, ग्लोइंग सी। काफ़ी हद तक हट गया है, ये देखो अब स्काई ब्लू हो गया है लेकिन रोशनी अभी भी है थोड़ी सी, लेकिन स्काई ब्लू हो चुका है अब काफ़ी हद तक। 4:31 में इक्लिप्स ने ख़त्म हो जाना है। पहले तो ये सारा बादल काला था, ये कैमरे में ब्लू आसमान नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो ये ब्लू है बिल्कुल। और जब पीछे जो ब्लैक हुआ था ना इक्लिप्स से ही पता चल रहा था, बहुत ज़्यादा काला हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई है। अब तो सब चेंज हो गया, पर ये जो रोशनी अचानक आती है ना यार, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट कस्में है, चमकदार रोशनी। ये पता चल रहा है कि ये सूरज की रोशनी नहीं है, बड़ी डिफरेंट सी रोशनी है ना, जैसे ग्लोइंग सी स्टार वाली। आज बिल्कुल भी बाहर रश नहीं है, मैंने बताया ना लोग डरे हुए बाहर ही नहीं निकले हैं, और इतना रश नहीं है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली सोलर इक्लिप्स होता क्या है। सोलर इक्लिप्स के बारे में बहुत सी मिथ्स भी हैं, वो भी मैं आपको आज बताती हूँ। लेकिन सोलर इक्लिप्स ऐसे अक्कर होता है कि जो मून होता है वो सन एंड अर्थ के मिडल में आ जाता है और मून सन को कवर करता है। कुछ कहीं जगह ऐसे होता है जो वो फुली कवर नहीं करता सन को, इसलिए उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और कहीं जगह ऐसे होता है जहाँ वो फुली सन को कवर करता है, उसको हम टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। एज़ यू नो कि अर्थ भी रिवॉल्व करता है, सो इसलिए जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है ना तो वो एक पाथ क्रिएट कर लेता है, दैट पाथ इज़ नोन एज द पाथ ऑफ टोटैलिटी। इसका ये मतलब होता है कि जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है ना और मून ने इसको ब्लॉक किया होता है, तो जहाँ से ब्लॉकेज हुई होती है वो सन जो मून है वहाँ से उसका पाथ बनता जाता है, डार्क होगा उस जगह पे पूरा डार्क होगा। फिर एक स्पेसिफिक टाइम आता है जब पूरा डार्क हो जाता है, टोटली डार्क। पीछे मेरी वीडियो में देखा होगा मैं बहुत जगह मैंने ऐसे बोला कि रोशनी डिफरेंट है रोशनी, जब मून पूरा कवर कर लेता है ना सन को तो उसकी साइडों में जो रेज होती है ना वो उसकी रोशनी थी, वो जो स्पार्कलिंग रोशनी थी। तो ये एक्चुअली में नज़र इसलिए नहीं आती है बिकॉज सन इतना ब्राइटली शाइन कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो साइड में कोरोना होता है उसका फिर हम उसकी रोशनी नज़र नहीं आती है, और हम ये वाली रेज इक्लिप्स में ही सिर्फ देख सकते हैं। आज 8 अप्रैल 2024 को नज़र आया है, अब नेक्स्ट ये एक्सपेक्टेड है कि 23 2020 2044 में नज़र आएगा। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊँ कि जब इक्लिप्स हुआ था उसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे वो फोत हो गए थे, और उस दिन सोलर इक्लिप्स हुआ था। तो लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने बिकॉज़ कि उनकी डेथ हुई है तो इसलिए सोलर इक्लिप्स आया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्लिप्स का मरने से जीने से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट। और उन्होंने दो रकत प्रेयर भी अदा की थी जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता सारा। लोगों ने अपनी मिथ्स बनाई है कि इस दिन हम बाल नहीं कटवा सकते, नाखून नहीं काट सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कुरान पाक में और हदीस में कोई स्पेसिफिक इसकी दलील नहीं पेश की गई, इसलिए इस मिथ्स को हमें एज अ मुस्लिम नहीं बिलीव करना चाहिए। हाँ, हम दो रकत का बताया है तो वो हमें ज़रूर अदा करने चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, अगर आप गूगल में सोलर इक्लिप्स लिखते हैं तो आगे से वो आपको जो स्क्रीन में है ना वो ऐसे दिखाता है इक्लिप्स, इतना क्यूट लग रहा है ये। आप भी लिखना सोलर इक्लिप्स 2024 गूगल में, तो लेट्स सी आपका भी आता है कि नहीं, मुझे बताइएगा कि आया कि नहीं आपका भी। ये देखो रोशनी ठीक हो गई लेकिन इट्स स्टिल, अब चली गई है, हाय इट्स ऑल ओवर, इट्स गॉन। मुझे देर हो। आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपने इसको इन्जॉय किया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे से रोज़े गुजारें, बाय बाय।